पहले तो सूबह मुतासर है सूबे के अंदर पर डियाई खान मुतासर हैं आप दोनों डियाई खान से हैं वजी अल और आप इसमें तो आप दोनों आप दोनों को तो शेर व शक्र होना चाहिए था एक जान दो खालब होना चाहिए था लेकिन उधर आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं पहले वो मान तो जाना कि रोनाल्टो की सब खराब है मैं तो कहता हूँ तो ये हालात हैं क्या आपने कभी उनसे सुने उनकी काबीले किसी रुकन से सुने कि ये ऐसे हालात हैं पहले वो तो माने ना कि हालात ख़राब हैं उतनी मानते हालात खराब लेकिन उनके मानने या नाला शख्सियत अपनी जगह पर मैं अगर हूँ फैसल कुंड ग वो सी एम है तो चीफ एग्जिव है सूबे के अगर वो इस बात पर मतलब ऐसे फिर रहे है जैसे उनको जो है वो कुछ मतलब परवाही नहीं है हक तो यह था कि ये कैबिनट की मीटिंग एक डी खान में होती है एक बंधु में होती है एक कोहाट में होती उधर बैठ कर ये बसले का निकालते ये जाके मीटिंगे जो हैं पिशावर की इस्लाम आबाद में करना शुरू कर देते हैं हाँ। अब पहले जो कहते हैं कि मतलब अभी जो जिस किस्म के डायलाग मारते हैं कि फलांके इसके पैसे हैं कि मैं दे दूँ किसी प्लेयर को या किसी को अब अब, अब जाके इस्लामा में करते हैं जो अपना कैबिनेट की मीटिंग तो क्या टी डी क्या कितने अफसरान आ रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं कितना खर्चा उनके ऊपर हो रहा है क्या चीज़ हो रही है तो ये टैक्स पेयर के पैसे नहीं है तनख्वाब बढ़ा रहे हैं अलाउंसेस घरों के बढ़ा रहे हैं गार्डों के सब कुछ बढ़ा रहे हैं तो ये गरीब लोगों में तकसीम कर देते हैं जो जिनका दर्द है आपके पास अच्छा और उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी महाराज बढ़ी हैं चेक करें हाउसिंग अलाउंस बढ़ा है चीज़ें बढ़ी हैं अच्छा गरीब है ना फिलहाल नहीं तो इस झगड़े की बुनियाद क्या है और इस तलखी की बुनियाद क्या है तो कोई झगड़ा नहीं नहीं आपका तो नहीं है लेकिन उनका तो है ना उनके ऊपर मैं जहन पर सवार हूँ मैं तो उसको उनके जहन के इलाज तो मैं नहीं कर सकता तो डॉक्टरी कर सकते अब एक फोबी हो किसी को तो वो फोबी तो मैं नहीं खत्म कर सकता भैया लेकिन एक किसी जमाने में तो आप लोगों की दोस्ती भी रही थी ना तो ये तलखी कहाँ से आ गई इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी गुजारा चला रहे थे <laughs> अच्छा दोस्ती अच्छी नहीं थी लेकिन दुश्मनी अच्छी है मैं दुश्मन तो नहीं मैं तो मेरे तो सारी मुखासमत अच्छी है मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ मैं कोई पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होता जिसकी मिसाल ताज़ा तरीन आप के दोस्त मोल फजर रमान और पी टी आई जैसे शे व शकर शेर शकर तो नहीं है लेकिन मतलब कोशिश हो रही है उसके बाद में लेकिन देखें मैंने जब आ, आ, अपने गवर्नरशिप का हल्फ लिया मैंने उस वक्त प्रेस टॉक की मैंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी उसके बाद ही मैंने चंद दिनों तक एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दी और फिर मैंने कहा अगर वो नहीं आ सकते तो मैं चले जाऊँगा तो ये समझ रहे थे कि मैं शायद पी टी वर्कर बन गया हूँ या पी टी आई का मैंने एम जो, जो कुछ करेगा जो है फिर उधर थोड़ा सा उन वो आपसे से थोड़ा बाहर निकल गए तो फिर जब आप से जब बाहर निकलते तो फिर उसका बंदोबस्त भी करना पड़ता है तो मैंने कहा जब आप सवाल करेंगे तो जवाब आपको बिल्कुल फ़ौन नहीं मिलेगा इसमें इंतज़ार नहीं होगा बाकी जो मिनिस्टर्स हैं कुछ लोग नौकरियाँ करनी हैं कुछ लोगों ने लेफेंडियो करना है तो उनके लिए मैंने न्यायाब माफी के मैंने का ऐलान किया हुआ है मैंने कहा जो बोलने खैर कुछ नहीं होगा कुछ आपके दोस्त भी इसके अंदर हैं तो मैंने उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है सी को मैं खुद जवाब दूंगा मैंने अच्छा वो मेरे इलाके कह उससे जो सवाल करेंगे मेरा हक़ बनता है कि मैं उसका जवाब दूँ अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो इसका मतलब है कि फिर वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और मौलाना फजोरहमान साहब से ताल्लुक कैसे हैं वो भी मौना फजल साहब से मेरे इलाके के मैं इज़्ज़त देखें इज्जत हर कोई अपनी खुद करवाता है हमारे बहुत पहले से पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपस में रहे लेकिन हमारे इलाके के बड़े मैं जो जिधर भी मिलते हैं मैं उनसे इज्जत से पेश आता हूँ सियासत तो जगह अपने इलेक्शन लड़ेंगे मुकाबले भी करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन तल्का तो में ठीक है हम सियासी मुखालफत दूसरी करते लेकिन हम वातें नहीं करते जो पी टी आई करती थी या फिर कभी कभी मौलाना साहब भी कर लेते थे अब पी टी आई का देखें ना सियासी वो कहते हैं जमूरत बेहतरीन से काम है अब मौलाना साहब तो बड़े ज़ीक सियासतदान हैं आपकी बात है हर दूसरे दिन उन्होंने पी टी आई के दोस्तों की पेशी लगी हुई थी हर दूसरे दिन कहते हैं कि आज इधर फुल स्टॉप है बस दो दिन बाद फिर आ जाना और वो भी मेरे ख्याल में स्ट्रीट के मेरे ख्याल में कोई कोने पर ही खड़े होते जैसे ही मिस कॉल जाती है फ़ौर पहुँच जाते हैं और इस वक्त पी टी आई का जो सियासी मसीहा है ना वो मौलाना फजल मोनफाजरमान साहब है लेकिन वो तो जरदारी साहब भी उधर पेश हुए थे हमारे तो दोस्त अक्सर अक्सर उ जाते रहते हैं गपशप लगाते रहते हैं आपके दोस्त है तो उनके भी तो कोई दुश्मन नहीं है ना नया पी टी आई का ना नहीं पी टी आई का क्या जरदारी साहब ने मौनाना साहब के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्होंने यहाँ पर जो आपके यहाँ पर पत्थर मार के जब जाते थे उधर डी चौक मुझे याद है आपके दफ्तर पे जब वो करते थे और डी चौक मैं उस मंजर कशी होते हैं ना एक मंरकशी होती है मैं मंजर कशी करना चाहता हूँ कि वो पी टी आई का जलसा मौलनफरमान साहब खिताब कर रहे हो जो कि हो नहीं सकता और नीचे पी टी आई का क्राउड खड़ा हो तो क्या नारे मारेंगे <laughs> <laughs> और मौलनफजरमान साहब भी बड़े परेशान हैं उन्होंने भी देखना है कि देखें उन्होंने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है अब वो भी किताबें ढूंढ रहे हैं कि यहूदियों कैसे मुसलमान करें जो जो हमने जो किया था तो वही उनको तो फतवा कोई ना कोई मिल जाएगा लेकिन इधर जो बड़ी परेशानी है हाँ। जो यूथ के जो यंगस्टर्स हैं और जो खुतिन हैं जो उस वक्त होती थी और जो और उनके जो लीडर थे देखें मामूथ खाना जगजी साहब के साथ इन्होंने क्या किया था आज उनके सियासी मसीह वही हैं मौलवाज रमान के सियासी मसीहे बन गए हैं मेंगल साहब इनके सियासी मसीहे बन गए हैं हमारे पास जब आते थे तो ये कहते थे ये बगैर चमक के या टेलीफोन कॉल के बगैर नहीं आ सकते हम कहते नहीं सियासत है हुकूमत है पोजिशन है चलती रहती है आपस में अब वो कहते हैं नहीं अब इनके पास गए तो इनके पास कैसे गए कुछ ये बताया ना कि क्यों इनके पास मतलब है कि कौन जा रहे हैं उनके पास हर दूसरे दिन कहते हैं कि जी हमारी सियासी बख्शाप करवाएंगे तो, सियासत में तो कोई बात हर को लेकिन मुझे एक इतराज है पी वालों से और बहुत बड़ा गिल है हाँ। कि जब भी जाते हैं और डेफिनेटली उसमें हमारे सूबे का बहुत इशू डिस्कस होते हैं और अपने सूबाई सदर को हमेशा इग्नोर करते हैं हमारे सूबाई सदर को ये नहीं लेके जाते पार्टी के पी टी आई के सदर कौन है हमारे सी साहब है तो है ना की हैं, तो हाँ। उनको करते हैं उनको भी साथ ले जाया करें ताकि डायलॉग्स तो पता चले ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा <laughs> अच्छा लेकिन जरदारी साहब भी आपको तो साथ नहीं ले जाते ना नहीं, नहीं जरदारी हमें तो पोलिटिकल होधर गए थे गपशप मारने के लिए हल करने हाँ। के लिए तो अब तो ये तो ये तो पोलिटिकल अलायंस करने जा रहे हैं ना मतलब है सेंट का इलेक्शन आ रहा है कौमी इसम्बली के अंदर अलाइंस करने जा रहा हैं बता बता रहे हैं कि शायद हम आखिरी मरहल में जो भी हैं लेकिन मौना साहब बड़े ज़िर सियासतदान हैं वो कभी भी इनके इनके एजेंडे पर नहीं चलेंगे नहीं। और मौना साहब का जो एजेंडा है शायद वो उसको फॉलो नहीं कर सकें मौना साहब ने जमहूरीत के लिए भी कुर्बानी दिए हैं एम आर डी और ए आर डी में भी रहे हैं पी डी एम में भी रहे हैं उन्होंने जो चीज़ भी है उन्होंने हमेशा जमूरीत की बात की है उन्हें कभी ये नहीं बात की कि यार पाकिस्तान खुदान खासन न हो या नौ मई की वाकत हो जो ऐसी चीज़ें होती हैं पाकिस्तान के खिलाफ ना। ये चीज़ें मौलाना साहब जो भी है अख्तिलाफ़ अपनी जगह पर ऐसी किस्म के वो नहीं करते लेकिन ये लोग तो कहते हैं हम ना हो तो खुदा न खास पाकिस्तान भी ना हो कुछ भी ना हो तो इनका जोड़ जो है बड़ा मुश्किल है लेकिन देखते हैं लेकिन मौलाना साहब जो पेशे इनकी लगवा रहे हैं ना रोज़ाना हर दूसरे दिन जो है ना ये पहुँच जाते हैं कि जी कोई तवीज़ दे कोई हमारा कोई हो लेकिन वो, वो तो तो तावीज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब भी चले गए थे देखिए जदारी साहब गए हैं फिर प्राइम मिनिस्टर साहब गए ऑफ़ एन ऑन हमारा तो देखें पी डी एम के सरबरा भी रहे हैं माजी में हम पी डी एम से निकल गए थे हम जो तो देखे हमने तो कभी नहीं निकाला ना मौलाना साहब कुछ वो वैंट टी वी भी वो बातें मतलब है कि वो बात मतलब है कि निजी महफिल भी वो वो लग बात मैं नहीं कह सकता मौलाना साहब के मतलब जो ये लोग करते थे लेकिन अच्छी बात है आप तो वो कहते हैं कि हज़रत मौलाना मौलानाफ़र रहमान साहब हैं हमारे मसीह हैं हम इस भंवर से निकालेंगे लेकिन मैं उस बात से एग्री करता हूँ कि अलीमा खान जो कहती है ना कि जितने भी बाहर पीटे वाले हैं ना वो ठीक कहते हैं ठीक इमरान खान साहब चाहते हैं कि वन लाइनर है कि मेरा किस तरीके से नो मिल जाए और जो बाहर वाले बैठे हैं वो किसी तरीके से उसे इमरान जैसे निकल आए तो हमारी खैर नहीं है हमारी रोजी पेलाट लग जाएगी तो वो कहते हैं किसी तरीके से वो कि इमरान बाहर ना निकले और चीफ मिनिस्टर साहब की इस्टैब्लिशमेंट से कैसे रिलेशनशिप में मुसन नकवी के साथ तो बड़ी अच्छी है मोसन नकवी के साथ उन्होंने उसको हाँ।